Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, अब तक हमने HP TGT के काफी questions complete कर लिए हैं. अगर आपने वो check नहीं किए हैं तो आप उनको देख सकते हैं, आपको playlist में मिल जाएंगे. उसके अलावा 2016, 2018 and 2019 के भी completely mathematics portion of HP TGT हमने complete करा हुआ है, तो आप वो videos देख सकते हैं. इसके अलावा कोई भी हमने basic टॉपिक वाइज भी कवर किया है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, आप देख सकते हैं. अब बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए. मान लो एक्स प्लस वन है, उसका आपको होल स्क्वायर निकालना है. तुम्हारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, यही आएगा. अगर आपको एक्स प्लस वन का होल क्यूब निकालना है तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस वन, लाइक दैट. यानी कि एक्स क्यूब प्लस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, कितनी टर्म्स आई टोटल, टोटल हमारे पास आई फोर टर्म्स. यानी कि जितनी हमारे यहाँ पे ऊपर आपको जितनी पावर दी हुई है उससे एक टर्म जो है वो ज्यादा आ रही है, ठीक है. अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यही चीज है. तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, एक्स प्लस वन होल क्यूब, और बाहर वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी है, सिक्स, होल पावर सिक्स है. तो कितना हो गया आपके पास, अगर आपने इंडिसेस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये इजी होगा. यानी कि ये जो पावर होगी इस फॉर्म में अगर हमारे पास हो, ए रेस टू पावर एम इंटू एन, तो हमारे पास बनता है ए रेस टू पावर एम एन, ठीक है, इसके बराबर होता है. सो यहाँ पे आपके पास बन जाएगी m इंटू एन यानी कि 18. तो इसके लॉजिक के हिसाब से हम चलें तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं. एक ऑप्शन है हमारे पास 7, एक ऑप्शन है 14, एक है 19, एक है 28. तो कौन सी कितनी टर्म्स होंगी टोटल, टोटल हमारे पास होंगी 19 टर्म्स, एक ज्यादा आ रही है, ठीक है. सो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता, क्लियर. ये आपको मैंने बेसिक क्लियर करने के लिए बताया कि आखिर ऐसा होता है कि नहीं होता है. बाकी डायरेक्ट आपका ये देखना था, आपने इसको फॉर्मूला आपका बन रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब करके, ठीक है. तो टोटल फिर हमने इंडिसेस का यूज किया यहाँ पे. तो मैथमेटिक्स में जितनी भी टर्म्स होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, तो आपको हर एक टॉपिक का क्लियरिटी होनी चाहिए. उसके लिए आपको मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बेसिक टॉपिक्स के बारे में, वहाँ पे काफी क्लियरिटी से मैंने बताया हुआ है. अगर आपको उसके अलावा कोई मेन टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स देन आर इज ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड नन, ठीक है. अब आपको सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए, रिलेशन क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो बेसिक डिटेल आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. तो बेसिकली हमारे पास जो सेट दिया हुआ है, मान लो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई ऑर्डर पेयर है ए बी, उसमें एलिमेंट्स हैं वो R को, R में वो बिलोंग करता है, ठीक है. फिर अगर ये इस चीज में बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स जो आपका B, A जो होगा वो आपका R इनवर्स में आएगा. क्यों, अकॉर्डिंग टू जो इनवर्स की रिलेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई एलिमेंट A, B मान लो यहाँ पे आपके रिलेशन में डिफाइन कर रहा है, तो आपका जो B, A होगा यानी कि उसे अपोजिट अगर हम करें तो वो हमेशा वो R इनवर्स में होगा, ठीक है. ये आपकी डेफिनेशन होती है R इनवर्स की. अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर ए बी जो है, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए बी आर में है, तो हमारा इसके अपोजिट बी ए जो होंगे वो आर इनवर्स में होंगे, विच इम्प्लाइज जो हमारे बी ए एलिमेंट जो होंगे वो भी आर में होंगे. क्यों, बिकॉज हमारे पास दिया हुआ है कि आर जो है वो आर इनवर्स के ही बराबर है. दैट मीन्स जो आपका वाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हमने यहाँ यूज की, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अगर ए आर में है और बी ए भी इसमें है, तो इसमें से कौन सा आपका ठीक होगा, आपका ठीक होगा सिमेट्रिक, ठीक है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल दो स्टेप में था. अगर आपको आर इनवर्स की डेफिनेशन पता होती और आपको रिलेशन के बारे में पता होगा तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर करना था सिमेट्रिक, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x प्लस cos x. तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड होता क्या है. अगर हम सिंपल साइन x की बात करें, ठीक है, तो उसका जो होता है वो आपका वेरी करता है 0 और 1 के बीच में, ठीक है. हमारा इसका ग्राफ हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर साइन की वैल्यू, साइन 0 लें हम एंगल, ठीक है, तो हमारे पास कितना आती है 0.
देन साइन 5/2 लें हम तो हमारे पास कितना आता है 1. अगेन साइन 3π/2 लें हम तो हमारे पास आता है माइनस ऑफ 1. यहाँ से इसे पहले एक साइन पाई वो हमारे पास 0 एंड देन साइन 2π विच इज इक्वल टू 0 अगेन. ठीक है, तो यानी कि ग्राफ में देखा जाए तो इसकी वैल्यू किसी हिसाब से आती है, पहले 0 देन 1 देन अगेन 0 देन माइनस 1 एंड देन 0, कुछ इस हिसाब से ग्राफ आता है आपका. ठीक है, सो साइन की जो होती है पहले आपकी प्लस की तरफ जाएगी फिर माइनस की तरफ जाएगी. ठीक है, पाई बाय टू यहाँ पे आ गया आपका माइनस ऑफ, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 3π/2. यानी कि हर 2π के बाद जो है अपनी वैल्यू जो है अपना ग्राफ जो है वो रिपीट करेगा. इसके बाद जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, सेम ग्राफ होगा. अगर आप इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें तो वो सेम है. यानी कि जो आपका पीरियड है, पीरियड से आप क्या समझें कि वैल्यूज जिसके बाद जो आपका साइन फंक्शन जो है दोबारा अपनी वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट करता है. एक ग्राफिकल फॉर्म में हमने इसको पूरा रिप्रेजेंट कर दिया. जैसे आपका साइन एक्स है वैसे ही आपकी कॉस एक्स की वैल्यूज होती हैं, वो भी अपनी जो उसका पीरियड होता है वो भी आपका 2π होता है. ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है मॉडुलस की, तो मॉडुलस में कुछ तो चेंज आएगा ही. अगर हम मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो नेगलेक्ट हो जाएंगी अब. ठीक है, जो साइन एक्स में जो आपकी माइनस बन भी आ रही थी बीच में वो नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मॉड अगर हम वहाँ लगा देते हैं तो वो आपकी वैल्यूज जो है वो 1 हो जाएगी. मतलब वो आपकी वैल्यूज तो हैं रिपीट हो जाएंगी कितने के बाद, अगर हम यहाँ पे अब साइन 0 लें तो वो हमारे पास अगेन 1 आता है. ठीक है, और साइन पाई बाई 2 हमने देखा तो वो हमारे पास सॉरी 0 आता है ये 1 आता है. यहाँ पे जो आपका साइन 3π/2 है वो आता है आपका माइनस 1, साइन पाई तो 0 ही आता है. और जो आपका माइनस 1 है अब यहाँ पे है मॉड, तो मॉड यानी कि ये जो माइनस 1 वैल्यू आ रही है ये भी 1 आ जाएगी, यही होगा. दैट मीन्स जो आपका साइन, अब साइन एक्स का मॉड है वो उसका जो पीरियड बन जाएगा वो हो जाएगा पाई, यानी कि वो अब हर पाई के बाद रिपीट होंगे. कैसे, आप देख सकते हैं 0 फिर 1 फिर यहाँ पे 0, ठीक है, फिर अगेन 1. यानी कि अब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, अब हमारा ग्राफ बनेगा पहले 0, ठीक है, फिर अगेन 1, फिर 0, फिर अगेन 1. यानी कि अब जो इसकी जो ग्राफ बन रहा है वो हर कितने के बाद रिपीट हो रहा है, हर पाई के बाद रिपीट हो रहा है. क्लियर, क्लियरिटी हो गई यहाँ पे. जैसे आपका साइन का ग्राफ है वैसे ही आपके कॉस के ग्राफ के बारे में पीरियड की बात होगी, तो यानी कि उसी हिसाब से जो आपका कॉस का होगा वो भी आपका रिपीट होगा हर पाई के बाद. अब तो ये तो होगी हमारी अलग अलग बात कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो मॉडुलस है उसका जो पीरियड आया वो आ गया पाई. अब बात हो रही है इनके प्लस की. अब प्लस में अगर हम जनरली सोचें तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लूँ साइन 0, ठीक है, साइन 0 हो गया 0, कॉस 0 ले लेती हूँ, वो आपका कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, पहले मैंने एंगल लिया 0, 1, दैट मीन्स 1, 0 0 लिया पहले एंगल. ठीक है, फिर अब मैं पाई बाय 2 एंगल ले रही हूँ, तो साइन की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 0, दैट मीन्स ऑल्सो 1. ठीक है, अब वैल्यू लूंगी मैं पाई, तो पाई की वैल्यू साइन 0 और कॉस कितना होता है, माइनस 1 होता है वैसे, बट अब आपका यहाँ पे मॉड है तो प्लस 1, अगेन 1. ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू लूँ 3π/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 तो मॉड के हिसाब से तो 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये आपके पास अगेन 1. यानी कि अब जो हमारा पीरियड आ रहा है वो सब इनकी वैल्यू 1 आ रही है. ठीक है, तो अब हमारा चेंज कितने के बाद आ रहा है, अब हमारा चेंज आ जा रहा है पाई बाय 2 के बाद. ठीक है, यानी कि जो हमारा अब पीरियड बनेगा वो बनेगा इनका प्लस करके पाई बाय 2, या आप सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स हमारे पास कितना आ रहा है, बेसिकली वो होता है एलसीएम ऑफ जो हमारे पीरियड्स है. मान लो इसका पीरियड P1 है और इसका P2 है, साइन का इतना है और इसका इतना है, तो यहाँ पे आएगा P1, P2. अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ कितना पीरियड है इन दोनों का, पाई कॉमा पाई, तो इनका एलसीएम तो बेसिकली पाई होता है. लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमारी जो वैल्यूज हैं अगर हम यहाँ पे फिलअप करके देखें तो हमारी हर पाई बाय 2 के बाद जो है, पाई बाय 2 के मल्टीपल में जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी उसके बाद चेंज हो रही हैं. यानी कि जो हमारा पीरियड इसका बनेगा वो बनेगा पाई बाय 2. ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ कैसे हमारी पाई बाय 2 आया, पीरियड होता क्या है, समझ आ गया आपको, तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन होना था. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इवन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन होते क्या है। बेसिकली मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इसके बराबर है तो ये आपके इवन फंक्शन होंगे। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा तो वो आपके ऑड फंक्शंस होंगे। अगर हम इनके कोई एग्जांपल्स देखें ठीक है फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। अगर मैं इवन फंक्शन का कोई एग्जांपल लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, अगर मैं यहाँ पे एफ की एक्स की वैल्यू जो है माइनस वन लिखूँ ठीक है माइनस वन लिख रही हूँ तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वन प्लस सिक्स दैट इज इक्वल टू सेवन। अगर मैं एफ की वैल्यू वन लिख रही हूँ तब भी आपकी वैल्यू सेवन आ रही है। That means this is a even function. ये कौन सी condition satisfy कर रहा है f of minus x is equal to f of x, ये वाली condition ठीक है। अगर मैं odd का example लूँ आपके पास है x cube minus 8x ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी value x की value minus 1 लूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा minus 1 plus 8 that is equal to 7। अगर मैं इसकी value 1 लूँ ठीक है तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus 8 which is equal to माइनस सेवन ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू एफ ऑफ ये वैल्यू किसकी आई एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू ये आई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आई आपकी, यहाँ पे मैंने माइनस वन लिया था यहाँ पे मैंने वन लिया है ठीक है। सो हम इसको बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। तो ये आपका इवन फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया ऑड फंक्शन का। अब ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो नाइदर होते हैं, ना ही वो इवन होंगे ना ही वो ऑड होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आएगी वो बराबर नहीं आएगी किसके माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर नहीं आएगी, ना ही वो इवन होगा ना ही वो ऑड होगा ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे इवन फंक्शंस होते हैं ऑड फंक्शंस होते हैं। तो इसके अलावा अगर हमें पूरा देखना है डेरिवेटिव आपसे पूछा हुआ है तो डेरिवेटिव हम करते हैं इसका, तो क्या आएगा इवन फंक्शन का एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर ठीक है। डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स माइनस एक्स सॉरी और माइनस का भी आपका होगा तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश एक्स और ये आपका ऑड फंक्शन का है ठीक है, यहाँ पे माइनस है सॉरी, तो आपका ऑड फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि जो आपका ये आएगा वो आपका ऑड फंक्शन ही आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लिमिट है उसको पुट करके देखेंगे। हमारे पास एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, उसको अप्लाई करने के लिए आप ये चीज चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये बाई चांस 0/0 की फॉर्म में आ गया तो हमारा ये रूल अप्लाई हो सकता है। इस रूल में क्या होता है कि जो हमारी ये वैल्यू दी हुई है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करते हैं ठीक है। सो क्या है इस फॉर्म में है ये नहीं है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म में है ये ठीक है। सो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे पूरा स्टेप वाइज में आपको लिखती हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 dy ओवर dx जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर है पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पूरा होगा डिफ्रेंशिएट डिवाइडेड बाय d ओवर dx x ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन कौन से रूल यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे यूज होगा हमारा पावर लॉ दैट इज n पावर रूल जो है हमारा n इंटू 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू, अब बीच वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय 1 ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख लेते हैं, हमारे पास क्या बचता है n 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1। अब हम फिर से इसमें जो आपकी x की वैल्यू है वो पुट करके देखते हैं, जब x की वैल्यू पुट होगी तो लिमिट आपकी हट जाएगी यानी कि n 1 प्लस 0 रेज टू पावर n माइनस 1 विच इम्प्लाइज n इंटू 1 रेज टू पावर n माइनस 1, तो n 1 की पावर चाहे जो मर्जी हो हमेशा 1 ही आएगी तो which implies n या which is equal to n, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर C, इसका आंसर होगा आपका n ठीक है क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
इंटीग्रेशन है आपकी 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, हमारे पास डिफाइन नहीं किए गए कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है। तो इसको करने के हम दो तरीके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखो, ज्यादातर क्वेश्चन अगर हम कॉस या साइन की फॉर्म में बना दें तो हमारे लिए ईजी हो जाते हैं करने, तो आप वैसे कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस एक्स, अब देखो जो कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स होता है वो किसका अपोजिट होता है, साइन स्क्वेयर एक्स का, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ जी बिल्कुल, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गई। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, अब एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, तो वहां से अगर मैं साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकाल लूं, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये अगर साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो वही होगी इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फॉर्मूला है हमारा कौन सा, ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वन का अगर मैं यहाँ स्क्वेयर लिख देता हूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपका कट हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है अभी, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यही बच रहा है हमारे पास। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में जो सभी एंगल्स आपके दिए हैं वो हाफ दिए, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन, अगर मैं इसको हाफ फॉर्मूला लगा के लिखूँ, टू कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू, इसके बराबर होता है। देखो अब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये आपके फॉर्मूलेज है वो आपको याद होने चाहिए, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, एक्स बाई टू अगर मुझे निकालना है तो हमें इसको, हम अपने जो ऑप्शन हैं उनको भी तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं इसको सेकेंड वे भी बताऊंगी, अगर वो आपको इजी लगता है तो उस वे में आप कर सकते हैं। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू आपका बाहर हो गया, कॉस को हम जो अपोजिट होता है वो सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू होता है डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो, सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू, सेकेंड का कितना होता है टेन होता है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स बाई टू प्लस सी इंटू, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे है सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू, तो उसके बाद जो हमारा स्क्वेयर है उसका भी इंटीग्रेशन होगा, वो हमारे पास आ जाएगा, पर जो आपका एंगल है हाफ उसका भी होगा, तो आपके पास आ जाएगा वन बाय टू, तो वन बाय टू से आपका वन बाय टू कट हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा टेन एक्स बाई टू प्लस सी। अब देखो इन दोनों में कितना सिमिलैरिटीज थी, काफी सिमिलर थे तीनों ही लगभग, देखो यहाँ पे टू था, यहाँ पे हाफ था और यहाँ पे सिंपल था एक, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट वे में हम करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब दोनों को अलग अलग करके हमने ओपन कर लिया, दो है ना आपके पास फैक्टर, तो वन इंटू दिस किया और दिस इंटू दिस किया। ठीक है, और इंटीग्रेशन इनकी दोनों की अलग अलग ले दी, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, और कॉसिकेंट को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करूंगी, जो हमारा साइन एक्स है उसको मैं एम मान लेती हूँ, और अब हमने x को m की फॉर्म में चेंज किया है तो हमें dx को भी चेंज करना पड़ेगा, सो जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी cos x is dx is equal to d of dm। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई, dx की वैल्यू भी आ गई, और साइन जो आपका हमने सब्स्टिट्यूट किया वो भी हमने लिख दिया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है cot x माइनस dm ओवर m स्क्वायर। क्लियर, अब हमने क्या करना है, ये तो आपका इंटीग्रेट हो चुका है, इसको इंटीग्रेशन देनी है, तो अगर हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए m रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं हम इसको, तो फिलहाल तो यहाँ पे 2 है तो हम इसी फॉर्मेट में आपको मैं इंटीग्रेट करके बताती हूँ dm। अब हमारे पास कितना आता है m माइनस टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस 1, ऐसे ही होती है इंटीग्रेशन इनकी, अगर हमें एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी हो तो हम कैसे करते हैं, एक्स 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यही करते हैं, तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, माइनस का वैसे माइनस प्लस का ध्यान रखना है, जैसे आए हैं वैसे ही रहने देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m माइनस 1
और नीचे भी आपका माइनस वन, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, विच इम्प्लाइज माइनस ऑफ कॉट एक्स, जब माइनस यहाँ पे है माइनस बाहर भी है तो वो प्लस हो जाएगा, और एम रेशो ऑफ माइनस वन है तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाय एम, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने सब्सटीट्यूशन की है वो यहाँ पे फिलअप करनी है, तो हमने एम की वैल्यू जो है वो क्या लिखी थी, ये लिखी थी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अब, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सॉरी वन माइनस कॉस एक्स, अब आप सोचेंगे कि कॉस कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो कॉट था, कॉट को आप कैसे लिख सकते हैं, आप कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, तो बस साइन एक्स कॉमन ले लिया और वन माइनस कॉस एक्स लिख दिया। ठीक है, रूल्स जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए, तभी आपको क्लियर होंगे कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा ही आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब वही बात, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस थे वो आपके हाफ एंगल पे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस एक्स को जैसे वहां पे हमने लिखा था वैसे ही टू साइन स्क्वेयर, अब इसको हमें एक्स साइन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी साइन है। ठीक है, साइन आपको डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में जा रहा है, विच इज इक्वल टू, और नीचे अब यहाँ पे हम इसका भी हाफ एंगल बनाएंगे, आपको फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स, वो कितना होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही होता है, बट हमें यहाँ पे एंगल जो है वो एक्स चाहिए, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा टू से, तो टू का यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे कॉस बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, टू से आपका टू कट हो गया, एक साइन से एक साइन कट हो गया, एक यहाँ बचेगा, तो साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। अब सी जो है वो आपका पता है, आपको यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन की है तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही, वो मैंने एंड में लिख दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको बाय सब्सटीट्यूशन, और बाय जो हमने पीछे वाला मेथड किया उससे भी कर सकते हैं, बाकी आपको फॉर्मूलेज इसमें पता होने चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा इंटीग्रेशन में है, जीरो से वन तक है साइन टू पाई एक्स मॉडुलस। ठीक है, और ऑप्शन है ए बी सी डी आपके सामने क्लियरली आपको विजिबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपका मॉड होता है तो आपको पता है कि एक वैल्यू इसकी पॉजिटिव देगा ये, एक वैल्यू इसकी नेगेटिव देगा ये, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारा मिड कहाँ पे होगा एम। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, साइन टू पाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन अगर ये वाला एंगल कब होगा जीरो, जब हमारी जो इसकी वैल्यू जो होती है वो एन पाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एन बाय टू, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जीरो टू वन बाय टू साइन टू पाई एक्स डी एक्स प्लस वन बाय टू टू वन साइन टू पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने यूज करके इसके दो फैक्टर बना लिए, दो अलग अलग लिख लिए इसको। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब एक और चीज, जब भी अगर आपने एक आपका जो क्वाड्रेंट्स होते हैं यहाँ पे हम देखें तो जीरो से लेके वन बाय टू, वन बाय टू जो है यानी कि जीरो वैल्यू कहाँ होती है, साइन जीरो की वैल्यू यानी कि यहाँ पे मान लो। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी इसकी वैल्यू हो गई वन, ये जीरो से लेके वन बाय टू तक वेरी करेगा, तो यानी कि जीरो अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो साइन जीरो, अगर वन बाय टू यहाँ पुट करती हूँ तो वन बाय टू, टू से टू कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा ओनली पाई, तो साइन पाई आता है यहाँ पे, यानी कि इस वाले जो ऊपर फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव होता है। अब जो नेक्स्ट है सेकंड जो ऑप्शन बनाया हमने 1 बाई टू, यानी कि अगर मैं यहाँ पे साइन 1 बाई टू की वैल्यू करूँ तो यानी कि आपके पास यानी कि साइन पाई। ठीक है, अगर मैं साइन की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 2 पाई बचेगा, तो 2 पाई यहाँ है, यानी कि इस वाले फॉर्म में जो आपकी साइन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन लेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इनको, तो साइन टू पाई एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी कॉस टू पाई एक्स डिवाइडेड बाय टू पाई, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके वन बाय टू तक माइनस आएगा, साइन की जो होती है वो माइनस नहीं होती है। इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस टू पाई एक्स वन से ले वन बाय टू से लेके वन डिवाइडेड बाय टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय टू पाई, यहाँ पे हम जब 0 पुट करें कॉस की वैल्यू माइनस माइनस लेते हैं बाहर,
ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे cos 1 by 2, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा only pi minus cos 0 plus 1 by 2 pi cos 2 pi minus cos of pi, ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमने जस्ट इसकी वैल्यूज पुट किया थी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इनमें जस्ट इसको सॉल्व करके लिख दो, माइनस वन बाय टू पाई, अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस वन, और कॉस जीरो की वैल्यू वो भी आपकी वन होती है, तो बीच में माइनस का साइन है, वन प्लस वन ओवर टू पाई। कॉस टू पाई की वैल्यू हमने अभी देखी वो कितनी होती है, अभी अभी हमने cos पाई की लिखी है, तो इसकी वैल्यू होती है पाई 1 और इसकी वैल्यू भी होती है हमारे पास माइनस 1 होती है, लेकिन बीच में माइनस पहले से ही है तो प्लस हो गया, ठीक है, विच इम्प्लाइज यहाँ बन गया माइनस 2, माइनस 2 से आपका 2 कट हो जाएगा और माइनस से माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर पाई प्लस यहाँ पे वही होगा 2 से 2 कट हो जाएगा 1 ओवर पाई, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंटीग्रेशन में से है, माइनस वन टू वन मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, और आपके ऑप्शंस हैं जीरो, वन, माइनस वन एंड माइनस टू, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस। अगर मैं यहाँ पे इसके मॉडुलस है, इसमें भी दो फैक्टर बनेंगे, एक तो जीरो से वन के बीच में बना लेते हैं, ठीक है, तो अगर जीरो से वन के बीच में वैल्यू रही मान लो, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है, और अगर 0 से लेके यहाँ पे हमारा होगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, माइनस 1 से 0, और अगर हमारी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हुई तो हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ये हमने इनको स्प्लिट करके लिख दिया, तो सिंपल है, उसके बाद तो हम इजिली इसको सॉल्व भी करेंगे ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से माइनस वन से जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू यहाँ पे जीरो टू वन, क्लियर, और इसको जस्ट सॉल्व कर लीजिए। अब एक्स की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो पुट करेंगे आप, तो जीरो माइनस और माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, दैट इज वन बाय टू प्लस वन बाय टू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा वन, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा वन। अगर आप इसको मॉडुलस को हटा के बिना, अगर मान लो आपका सिंपली होता माइनस वन टू वन और एक्स डी एक्स होते, तो हम सिंपल करते हैं एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है, माइनस वन टू वन, तो हम पहले वन पुट करते तो हमारे पास आता वन बाय टू, और फिर अगेन वन बाय यहाँ पे माइनस माइनस वन बाय टू, तो हमारे पास जीरो आ जाता, तो जीरो अगर आप करते तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता, पर ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है, तो आपने सिंपली ऐसे नहीं करना है, जब आपके मॉड है तो आपने इसको पूरा फॉर्म में खोल के लिखना, जीरो माइनस वन टू जीरो, क्योंकि एक वैल्यू जब मॉडुलस होता है, सिंपल सी बात है, अगर फाइव माइनस फाइव है इसका मॉड आप लेंगे तब भी फाइव ही आएगा, और नॉर्मल अगर फाइव लिखते हैं तो इसका आउटपुट भी फाइव आएगी, आउटपुट सेम है लेकिन इनपुट कुछ भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, इसलिए हमने ये दो वैल्यूज कंसिडर की, तो माइनस वन से लेके अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो माइनस एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू लेते हैं तो एक्स डी एक्स, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, होप आपको आज के क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट करके अपने अलग क्वेरीज जो है कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी, बाकी इसके अलावा जो पार्ट्स हैं इसके, बाकी जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनकी वीडियोज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।